टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय वाल्के हैप्पी होम्स। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। भारत पर कर्ज का बोझ बढ़कर 205 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। इस बाबत आईएमएफ ने एक अलर्ट जारी किया है। बीते वित्त वर्ष की जनवरी मार्च तिमाही में कुल कर्ज 2.34 ट्रिलियन डॉलर यानी कि करीब करीब 200 लाख करोड़ रुपए था, जो कि वित्त वर्ष की इस सितंबर तिमाही में बढ़कर 2.47 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा है कि इतने सांसदों का निलंबन संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ है और करना भी नहीं चाहिए। सभी को बाहर निकाल दो और बिल पास करा लो, फिर तो बीजेपी की बैठक बुलाकर सारे बिल पास करा लेने चाहिए। मानसून सत्र से सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्षी सांसदों ने मोर्चा निकाला है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ आंदोलन है। सरकार और सदन के मुखिया नहीं चाहते कि सदन चले। डेमोक्रेसी में हमारा हक है कि हम सदन में बात करें। सुरक्षा में चूक कैसे हुई उसके बारे में सरकार से जवाब वे लोग चाहते थे। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सरकार का शिष्टमंडल मनोज रांगे से मुलाकात कर सकता है। उसे आरक्षण के लिए और अधिक समय की मांग कर सकता है, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। हालांकि अभी तक इस डेलीगेशन में कौन कौन होगा और कब मुलाकात होगी इसका समय नहीं बताया गया है। वहीं मनोज रांगे आज जालना में संवाद सभा भी करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन का जवाब भेजा है। उन्होंने कहा है कि मैं हर कानूनी समन मानने को तैयार हूं। ईडी का यह समन भी पिछले समन की तरह गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। समन को वापस ले लेना चाहिए। संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सभी आरोपियों को एक साथ बिठाकर पूछताछ की। सभी 6 आरोपियों को स्पेशल सेल के अलग अलग यूनिट पर रखा गया था, लेकिन बुधवार को आमने सामने करवाने के लिए एनएफसी ले जाकर आमना सामना कराया गया है। दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी मामले में 2 और किरदारों के बारे में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को पता चला है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने आमने सामने बिठाकर पूछताछ की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केरल में कोविड-19 के 300 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि दक्षिणी राज्य केरल में 20 दिसंबर को कोविड के 300 नए केस रिपोर्ट हुए और इस दौरान 3 लोगों की मौत हुई। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने यूपी सरकार द्वारा प्रदेश के रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर प्रीमियम ब्रांड शराब बेचने की अनुमति देने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अब राम राज्य में सरकार के पास राजस्व बढ़ाने का विकल्प नहीं है। पीसीबी के अंतरिम चीफ जका अशरफ का एक कथित ऑडियो लीक हुआ है, जिसमें बाबर आजम पर कप्तानी छोड़ने का दबाव डालने की बात की जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान मुंबई नगर निकाय में कथित घोटालों की जारी जांच का जिक्र करते हुए यहां राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार पर तीखा हमला बोला। महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के विधायकों ने 140 से अधिक सांसदों के निलंबन के विरोध में अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधी। राज्य की विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार, कांग्रेस के विधायक अशोक चौहान, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार समूह के नेता अनिल देशमुख, कांग्रेस विधायक सतीश पाटिल और कई अन्य विधायकों ने नागपुर विधान भवन की सीढ़ियों पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कोर्ट ने हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर उपजे विवाद से जुड़े गिरफ्तारी का विरोध करने और पुलिस को अपना कर्तव्य निभाने से रोकने के मामले में नवनीत राणा और उनके पति की याचिका खारिज कर दी। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शख्स ने अपने ससुराल में अपनी पत्नी, ससुर और 2 साले की धारदार हथियार से हत्या कर दी। यह घटना कलम तालुका के तीर्थझड़ा पारदी इलाके में आधी रात को घटी। इसके बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 21 दिसंबर गुरुवार यानी आज पाल के पोलैंड पार्क में खेलेगी। अब तक खेले गए दोनों मुकाबलों में सीरीज 1-1 से बराबर रही है। ऐसे में तीसरा मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए अहम होगा। शाहरुख खान की फिल्म डंकिया सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। वहीं कल यानी 22 दिसंबर को सुपरस्टार प्रभास की सालार थिएटर में दस्तक देगी। प्रभास स्टारर फिल्म का क्रेज भी ऑडियंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। इस फिल्म की धुआंधार एडवांस बुकिंग हो रही है। यहां तक कि सालार ने शाहरुख खान की डंकी को भी प्री टिकट सेल में पीछे छोड़ दिया है। रणवीर कपूर की एनिमल अब रिलीज के तीसरे हफ्ते में एंट्री ले चुके हैं। इस फिल्म का क्रेज देश ही नहीं विदेशों में भी देखने को मिला, लेकिन इस बीच शाहरुख खान की डंकी भी पर्दे पर उतर गई है। वहीं 22 दिसंबर को प्रभास के सालार का भी फैंस इंतजार कर रहे हैं। देखना ये मुकाबला दिलचस्प होगा। बॉलीवुड के डांस किंग गोविंद आज 60 साल के हो गए। अपने बर्थडे पर एक्टर अपने पूरे परिवार संग स्पॉट हुए। इस दौरान एक्टर ने प्रेक्स के साथ अपने बर्थडे का जश्न भी मनाया। भारत के लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का फ्रांस की ओर से जवाब आया है। फ्रांस के अधिकारियों की एक टीम नई दिल्ली पहुंची है। टीम ने भारतीय टेंडर के लिए बोली पेश की है। जल्दी दोनों देश के बीच डील फाइनल हो सकती है।
ये रही आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला NBC न्यूज पर यह लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ NBC न्यूज पर। नमस्कार।